हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिमेट्रिकल फॉल्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। ओके, तो आज हम देखेंगे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स। तो चलिए अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स में आगे बढ़ने से पहले सिमेट्रिकल फॉल्ट देखते हैं कि हम लोगों ने सिमेट्रिकल फॉल्ट में क्या देखा था। अगर मैं आपको बोलूँ सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता था, तो आप बोलेंगे सर थ्री फेज में सिमेट्रिकल फॉल्ट होने के बाद भी हमारा जो सिस्टम होता था वो बैलेंस होता था। बोलिए हाँ, मान लीजिए ये हमारा थ्री फेज सिस्टम है। ओके, और इसमें हो गया फॉल्ट, मान लीजिए इसमें फॉल्ट हुआ, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार बता रहा हूँ, ठीक है ना, कंपेयर करूँगा। ये फॉल्ट हुआ, थ्री फेज फॉल्ट हुआ, तो थ्री फेज फॉल्ट होने के बाद भी सिस्टम हमारा कैसा था, बैलेंस। तो बैलेंस सिस्टम था तो उसका फेज सीक्वेंस क्या था, ए बी सी। हम लोगों ने पूरा पावर सिस्टम में बैलेंस सिस्टम, अभी तक बैलेंस सिस्टम में फेज सीक्वेंस क्या रखा हुआ है, ए बी सी। ओके ना, तो यहाँ मैं ड्रॉ करूंगा इसका फेज सीक्वेंस, कंपेयर करूंगा। इसलिए मान लेते हैं ये ए सीक्वेंस है, बी है, ये सी है। ओनली फेज सीक्वेंस देखिए अभी। ओके, ए बी सी। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, जो ये फेजर हम ड्रॉ करते हैं ये किस चीज़ का ड्रॉ करते हैं, हम पावर का या इम्पिडेंस का? नहीं, ना पावर का ना इम्पिडेंस का। ये फेजर जो हम ड्रॉ करते हैं, ये आपने अगर गौर किया होगा पिछले लेक्चर्स में, तो हम लोग ये फेजर सिर्फ करंट और वोल्टेज का ही ड्रॉ करते हैं। बोलिए हाँ, तो फेजर जो है हम करंट और वोल्टेज का ही ड्रॉ करेंगे, पावर और इम्पिडेंस का नहीं। तो ये मैंने आपको क्यों बताया, इसलिए बताया कि मान लीजिए थ्री फेज सिस्टम है, एक और थ्री फेज सिस्टम है, बोलिए हाँ, ओके, ये एक और थ्री फेज सिस्टम है आपके पास, और अब इसमें मैं बोलूँगा हो गया अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, और वी कैन से अनबैलेंस फॉल्ट। तो अनबैलेंस फॉल्ट में क्या होता था, या तो लाइन टू न्यूट्रल, लाइन टू ग्राउंड, और लाइन टू लाइन, और लाइन टू ग्राउंड। तो मैं मान के चल रहा हूँ कोई भी एक फॉल्ट हो गया, लेट्स जो मैक्सिमम फॉल्ट होता है वो अपना लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है। तो मैं मानता हूँ कि फेज ए जो है अपना वो ग्राउंड से, फेज ए ब्रेक होके ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, तो ये फेज ए जो है इसमें फॉल्ट अगर हुआ, रिमेनिंग में नहीं हुआ, तो ये अनबैलेंस फॉल्ट हुआ। तो अगर बैलेंस्ड फॉल्ट सिस्टम का फेजर डायग्राम ऐसा होता है, तो अनबैलेंस सिस्टम का मैं बोलता हूँ कि कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता है। मैं मानता हूँ कि अनबैलेंस सिस्टम का फेजर डायग्राम कुछ ऐसा है, ये फेज ए है, ये फेज बी। अनबैलेंस मैं कहीं भी बना सकता हूँ, आप भी कहीं भी बना सकते हैं, अनबैलेंस फॉल्ट है, किसको पता कहाँ क्या फेज है, क्या मैग्नीट्यूड है, बोलो हाँ। ये तो सिमेट्रिकल में तो हम लोग पढ़ते रहे थे बैलेंस सिस्टम में पूरा, अब हमको पढ़ना है अनबैलेंस में। अनबैलेंस में तो फेजर हमको बैलेंस नहीं मिलेगा, ये प्रॉब्लम है। तो एक मैथमेटिशियन थे, कौन था, एक मैथमेटिशियन थे सी एल फोर्टेस्क्यू, वो मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने मैथ्स में वेक्टर में एक आर्टिकल दिया था। क्या दिया था उन्होंने आर्टिकल, कि कोई भी थ्री फेज फेजर सिस्टम, अनबैलेंस थ्री फेज फेजर सिस्टम को हम रिजॉल्व कर सकते हैं किसमें, थ्री कंपोनेंट्स में। एक्चुअली उन्होंने ये थ्योरी जो दी थी वो मैथमेटिशियन से, उन्होंने मैथ्स में दिया था, वही थ्योरी हम पावर सिस्टम में यूज करते हैं। ओके, समझ में आया। ओके, मैं स्कोर ऑफ करता हूँ, हम लोग इसको देखते हुए कॉन्सेप्ट में बढ़ेंगे आगे। तो ध्यान समझिए, मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो ये जो अनसिमेट्रिकल फेजर जो हमको मिला, अनबैलेंस सिस्टम का फेजर है, बताइए हाँ। तो आपके सी एल फोर्टेस्क्यू जो थे, नाम लिख दूँ क्या, सी एल फोर्टेस्क्यू, चलो तो नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिखता हूँ। ओके, पूरा नाम लिखूँ, चलिए पूरा लिख देता हूँ, चार्ल्स लिजिट, LEGYT, चार्ल्स लिजिट फोर्टेस्क्यू। तो ये एक मैथमेटिशियन थे, ये थे एक मैथमेटिशियन, इन्होंने वेक्टर में एक आर्टिकल दिया था कि थ्री फेज अनबैलेंस फेजर सिस्टम है कोई, तो उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, यानी उसको हम बैलेंस मिला सकते हैं, उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं किसके थ्रू, उसकी स्टडी हम कर सकते हैं, थ्री कंपोनेंट्स उन्होंने दिए थे। तो वो थ्री कंपोनेंट्स कौन कौन से थे, पहला जो था पॉजिटिव सीक्वेंस, तो पहला मैं यहाँ लिखूंगा पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, ध्यान से देखते रहिएगा, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। ओके, तो मैं तो नहीं बोलूंगा, सी एल फोर्टेस्क्यू ने बोला जो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट होगा उसका जो सीक्वेंस होगा वो सेम सीक्वेंस फॉलो करेगा जो सीक्वेंस अनबैलेंस सिस्टम का है,
बोलिए। हाँ, तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, ध्यान से दिखेगा। तो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट क्या बोला कि बैलेंस सीक्वेंस होगा, इसको हम बोलेंगे बैलेंस ए बी सी, इसको हम बोलेंगे बैलेंस ए बी सी कंपोनेंट। ये जो हमारा कंपोनेंट है ये बैलेंस होगा, यानी कि बी जो है 120 डिग्री लीड करेगा, सी जो है 120 डिग्री लैग करेगा। ये हम लोग पढ़े हुए हैं पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, ठीक है ना। फोर्टेस्क्यू ने तो एक ये बोला, दूसरा उन्होंने क्या बताया, दूसरा उन्होंने बताया नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। तो आप देखेंगे नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट क्या होता है। तो सीएल फोर्टेस्क्यू ने बोला कि जो फेज सीक्वेंस ओरिजिनल सिस्टम का है उसका उल्टा फेज सीक्वेंस आप लीजिए, बट बैलेंस होना चाहिए। क्या बोला, क्या बोले, बैलेंस होना चाहिए, ओके। बट इसका जो सीक्वेंस है एबीसी, इसका फेज सीक्वेंस अगर मैं लिखूं तो आप बोलेंगे सर इसका ये फेज सीक्वेंस एबीसी है, ओके ओके। पॉजिटिव सीक्वेंस का भी फेज सीक्वेंस एबीसी ही होगा, फेज सीक्वेंस एबीसी ही होगा, लेकिन नेगेटिव सीक्वेंस में क्या होगा, बी आपका 120 डिग्री लीड करेगा बट सी 120 डिग्री लैग करेगा, यानी इसका फेज सीक्वेंस इसके जस्ट अपोजिट होगा। बोलिए हाँ, तो ये 120 डिग्री इससे लीड करेगा और सी 120 डिग्री लैग करेगा, ओके। तो ये दो कंपोनेंट हो गए। तीसरा कंपोनेंट जो है वो क्या है, जीरो फेज सीक्वेंट। तीसरा कंपोनेंट क्या है, जीरो सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। अभी जीरो क्यों होता है अभी हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा, ओके। तो जीरो फेज सीक्वेंस क्या का क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड तो सेम। फोर्टेस्क्यू ने बोला कि जीरो फेज सीक्वेंस को आप लीजिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए बट सेम फेज में होना चाहिए, सबका मैग्नीट्यूड होगा सेम और होंगे सेम फेज में, समझे। तो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। अच्छा सीक्वेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया था पॉजिटिव सीक्वेंस का क्या मतलब है, नेगेटिव सीक्वेंस का क्या मतलब है। तो मैंने आपको बताया था एक्चुअली सीक्वेंस क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट, और वी कैन से द ऑर्डर ऑफ द मैक्सिमम, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, द ऑर्डर ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ और द करंट, है ना। तो जो ऑर्डर फॉलो हो रहा है मैक्सिमम वैल्यू का, ओके, मैक्सिमम वैल्यू का, तो वही होता है उसका सीक्वेंस। कैसे, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इसका, अगर मैं दिखाना चाहूँ यहाँ दिखाऊंगा, जैसे कि मान लीजिए तीन फेसेस हैं और तीनों है किसमें, पॉजिटिव में। तो ये है आपका ए, ओके, ये है आपका बी, ये 120 डिग्री, ये आपको पता चलूँगा, ये 120 डिग्री आपस में, बी जो है 120 डिग्री लैग किया, और सी क्या होगा, सी 120 डिग्री लीड करेगा, बोलो हाँ, ये 120 डिग्री लीड करवा दिया। ध्यान से देखिएगा, ये ई ए की मैक्सिमम वैल्यू, ई बी की मैक्सिमम वैल्यू, ई सी की मैक्सिमम वैल्यू, बोलो हाँ। तो जो फेज सीक्वेंस मैक्सिमम वैल्यू के होते हैं, मैक्सिमम वैल्यू के, उसी वही हमारा पॉजिटिव फेज सीक्वेंस होगा ए बी सी। सिमिलरली अगर यहाँ आप देखेंगे तो इसका फेज सीक्वेंस कैसा होगा, ये आपका ए है, ओके, तो यहाँ से सी 120 डिग्री लैग कर रहा है, तो सी 120 डिग्री लैग कर रहा है, तो मैं इसको कैसे दिखाऊंगा आपको, ये सी 120 डिग्री लैग कर रहा है, बट ध्यान से देखिएगा पेशेंस से, ओके। बी क्या है, 120 डिग्री लीड कर रहा है, किससे, ए से, बी 120 डिग्री लीड कर रहा है ए से। तो ये जो आपका शो कर रहा है, ये फेज सीक्वेंस ए है, ये है सी, ये 120 डिग्री लैग करता हुआ फेज सीक्वेंस है आपका सी, और ये है बी। तो यहाँ तक तो ये समझ में आया कि पॉजिटिव सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस कैसे आया, आई होप ये समझ में आया होगा, ये पॉजिटिव सीक्वेंस, ये नेगेटिव सीक्वेंस। अच्छा इतना डिटेल में क्यों जा रहा हूँ, मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इसके बारे में, इसके बारे में देखिएगा, ये क्या है, सेम फेज के हैं, सेम फेज में हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, ओके, इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो ये दोनों तो हमारा बैलेंस सिस्टम है, बोलिए हाँ, ये दोनों तो बैलेंस सिस्टम, बट ये अनबैलेंस सिस्टम है। क्यों अनबैलेंस सिस्टम है, क्योंकि तीनों फेज सेम ही डायरेक्शन में है, समझ रहे हो ना,
तीनों की वैल्यू सेम फेज में है, मैग्नीट्यूड तो सेम है बट फेज 120 डिग्री डिस्प्लेस नहीं है, यानी बैलेंस नहीं है। बैलेंस सिस्टम होने के लिए क्या होना चाहिए? थ्री फेज बैलेंस सिस्टम, मैंने बताया था 360 डिग्री, 360 बाय n, n क्या था? नंबर ऑफ फेज बताया था ना, तो 120, तो 360 बाय 3 यानी 120 डिग्री, तो 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए आपस इनके आपस में, बट यहाँ पर नहीं है तो ये बैलेंस सिस्टम नहीं है। तो जीरो सीक्वेंस कॉम्पोनेंट जो होता है हमारा वो बैलेंस सिस्टम नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसको अगर देख ड्रॉ करना चाहें तो अच्छा, इसको जीरो सीक्वेंस क्या बोलते हैं? इसको नेगेटिव सीक्वेंस के बोला देख लिया, इसको पॉजिटिव सीक्वेंस सीक्वेंस के बोला हम लोगों देख लिया, इसको जीरो सीक्वेंस क्या बोलते हैं? अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, इसको जीरो सीक्वेंस क्यों बोलते हैं? मान लीजिए ये ए है, ई ए है, ई बी है, ई सी है, क्योंकि ये सेम ही फेज में है। तो मान लीजिए ये आपका ई ए हो गया है, ओके। जब इसमें कोई लैगिंग नहीं है, कोई लीडिंग नहीं है, तो ई बी भी इसी को, ई बी भी आपका जो है ई बी, ये भी इसी के ऊपर ही सुपर इम्पोज होगा, इसके ऊपर ही सुपर इम्पोज होगा ई बी। अगर आप बोलेंगे ई सी तो ई सी भी इसी के ऊपर सुपर इम्पोज होगा। तो इसका फेस सीक्वेंस सब एक ही है, समझ रहे हो ना? इसका फेस सीक्वेंस कितना है? जीरो, समझे? ई ए बी सेम फेज में, ई बी भी सेम फेज में, ई सी भी सेम फेज में है, तो इसका फेस सीक्वेंस जीरो हुआ कि नहीं, बोलिए। हाँ, अच्छा नहीं समझ में आया तो ये देखिए, देखिए ध्यान से देखिएगा। मैं जैसे मानता हूँ एक ये फेस है, एक इससे बड़ा फेस लिया मैंने, और बड़ा फेस ले लिया मैंने मान लो, ठीक है ना। ये ए है, ये बी है, ये सी है, समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब मैं इसको ड्रॉ करूँगा, मैं मानता हूँ कि ए का फेस ये है, ए का फेस ये है, बोलिए। हाँ, तो बी का क्या होगा? बी का फेस तो सेम होगा लेकिन मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, तो इसको मैं कैसे ड्रॉ करूंगा? फेस तो इसका सेम रखूंगा, यानी फेस रखूंगा सेम बट मैग्नीट्यूड बड़ा कर दूंगा, बस, बोलिए। हाँ, अच्छा सी का क्या करूंगा? सी में भी अगर आप देखेंगे तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बड़ा करूंगा लेकिन फेस रखूंगा सेम। आई होप समझ में आ रहा होगा आपके, मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ पर तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर था तो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो गए यहाँ पर, तो कोई भी फेज सीक्वेंस नहीं हुआ, यानी जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, इसको इसलिए बोला गया। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट क्या होता है, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट क्या होता है, ओके। तो चलिए, तो क्या कंक्लूजन निकला? जो पॉजिटिव सीक्वेंस होता है हमारा, ये बैलेंस होता है बट इन द फेज सीक्वेंस ऑफ द ओरिजिनल सिस्टम होता है। इसको मैं ओरिजिनल सिस्टम बोलूंगा, ये है हमारा ओरिजिनल सिस्टम का फेजर, तो ये ओरिजिनल सिस्टम का फेजर है, यानी अनबैलेंस फेजर है। हमारा सिस्टम अनबैलेंस था, अनबैलेंस था, अनबैलेंस फॉल्ट होने के बाद, तो ओरिजिनल सिस्टम का फेजर है। इसका फेजर हम हमेशा लेंगे ए बी सी, ए बी सी ही फेज सीक्वेंस लेंगे। तो इसके कंपेयर में पॉजिटिव सीक्वेंस का जो पॉजिटिव सीक्वेंस होगा, कंपोजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट होगा, वो सेम ही सीक्वेंस में होगा जो सीक्वेंस ओरिजिनल सिस्टम का है। बार बार बोल रहा हूँ, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट क्या होगा? इसका अपोजिट सीक्वेंस बट बैलेंस, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, ओनली ये अनबैलेंस हो गया, ये हो गया बैलेंस, ठीक है ना। ये भी बैलेंस होगा, केवल यही अनबैलेंस होगा क्योंकि ये सेम फेज में है, बोलिए। हाँ, तो चलिए, ये तो हम लोगों ने देख लिया पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स। आई होप समझ में आया होगा, इतनी डिटेलिंग की है मैंने, ओके। तो अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे अल्फा ऑपरेटर। तो जो जो रिक्वायरमेंट हमको पड़ेगी अपने कॉन्सेप्ट्स में, एनालिसिस में, उसको हम पहले देखेंगे।